हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ नई विधि से टेस्टी और हेल्दी पास्ता कैसे बना सकते हैं। ये वाटर बॉयल हो रहा है, ये मैं पहले रख चुकी थी। इसमें मैंने ऑयल डाला था, उसमें नमक और इसमें मैं पास्ता ऐड कर दी। ये मैंने काट के रखा है पत्ता गोभी, कैप्सिकम और कैरेट। इसको मैं चलाती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि मैं इसलिए चला रही हूँ इसे कि ये चिपक ना जाए। और ये मैंने एक प्लेट में प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक और हरी धनिया काट के रखी है। मैं चेक कर रही हूँ फिर से, पर अभी ये नहीं पका है, अभी पकने वाला है। देखिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैंने दूसरी गैस पे तब तक के लिए कढ़ाई रख दी है। इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी 2 चम्मच। ऐड कर दिया मैंने इसमें ऑयल। ये मैंने स्ट्रेन कर लिया है इसको, पास्ता को। और ये देखो मेरा सारा रिमूवल मैंने करके रखा है। चलाने के बाद इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करूँगी, हमारी गार्लिक, चिली और अदरक की। मैं इसमें सब्जियाँ इसलिए ऐड कर रही हूँ कि हेल्दी बने। और आप देख सकते हैं कि मैंने बस 2 चम्मच ऑयल डाला है, तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। और इसे मैंने पास्ता लिया है, वीट पास्ता है, मैदे का बना हुआ नहीं है, गेहूं का बना हुआ, तो ये नुकसान नहीं करेगा आपको। सबसे डाल के बस इसको ज़रा सा फ्राई करूँगी। हल्का गुलाबी हो गया है। अब इसमें सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे जो मैंने काट के रखी हैं, कैबेज, कैप्सिकम एंड कैरेट। बहुत ही हेल्दी होती है। मैं अपने वीडियोज़ में हेल्दी फूड के बारे में बताती रहती हूँ कितनी अच्छी क्वालिटी होती है उनकी। अच्छा, हम इन्हें इसलिए फ्राई करेंगे, ओवर कुक नहीं करेंगे। ओवर कुक करने से क्या होता है ना, सब्जियाँ से इतनी न्यूट्रिशियस नहीं रह जाती हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनको ओवर कुक नहीं करेंगे, इसलिए फ्राई करेंगे। ये सब कुछ मैंने जैसे डाल दिया था हमने गैस में भी फ्लेम तेज है। अभी मैं इसको धीमा नहीं करूँगी और मैं इसको चलाती रहूँगी जिससे कि लगेगा। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मैंने पहले इसमें अनियन, गार्लिक और जिंजर और चिली डाली थी, तो इसमें मिक्स हो गया। मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूँगी इसमें। मैं इसको फ्रिज के 2 मिनट के लिए ढक दूँगी गैस को मीडियम फ्लेम पे करके। सॉस मिक्स कर रही हूँ मैं, इसको ढक दूँगी क्योंकि इसको थोड़ा सा सब्जियाँ पक जाए। गैस में धीमी कर दी। अब देखिए 2 मिनट के बाद मैंने इसे खोला, तो फिर ये देखिए कितनी अच्छे से पक गई हैं। आप अगर ऐसे भी इन्हें खाना चाहें तो खा सकते हो, ये बहुत अच्छी लगती हैं। अब इसमें कुछ मैं ऐड करूँगी चिली सॉस, और मैं इसमें ये शेज़वान सॉस ऐड करूँगी। स्पाइसी होता है, इसमें थोड़ा डाला है। और मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो केचप। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा भी डाला था, पर वो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा, इसलिए आप ऐड करेंगे एक एक चम्मच। देखिए सब कितना प्यारा सा कलर आया है। अब इसमें जो हमारा पास्ता स्टीम के ऊपर रखा है उसको डाल देंगे। और कितना सुंदर लग रहा है ये। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जो भी हमारी वजीज हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो गए। कितना सुंदर सा एक आवाज से लग रहा है। अब मैंने इसमें पानी को बॉयल करते समय ऑयल डाला था, उसको देखिए चिपकी नहीं है। पास्ता बॉयल करते बॉयल्ड वाटर में डालना है, खौलते हुए पानी में, नहीं तो ये चिपक जाते हैं। ये देखिए एकदम से फ्रेश लग रहे हैं, ये ओवर कुक भी नहीं है। ये भी मैं मानता हूँ कि पास्ता भी ओवर कुक नहीं है, जो उसका लुक इतना अच्छा नहीं होता है। ये जितना हरी धनिया जो काट के रखी थी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। कुछ चमचे कर देंगे इसके ऊपर। बस हम इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद प्लेट में सर्व कर लेंगे। कुक तो पहले से था, पके हुए हैं सब्जियाँ भी और पास्ता भी। बस इनको थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं कि सब कुछ आपस में सबका टेस्ट बराबर हो जाए। ये मैं प्लेट में इसको निकाल दूँ। प्लेट में इसमें निकालने के बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा रखेंगे, मैंने बचाया था, मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। देखिए कितना सुंदर और डिलीशियस लग रहा है ये।
टेस्टी और हेल्दी पास्ता बन के तैयार हो गया है। खाने में बहुत ही टेस्टी था, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। इसमें और भी सब्ज़ी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप कम स्पाइसी या ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं उस अकॉर्डिंग इसका टेस्ट दे सकते हैं। वैसे इतना सफिशियंट था मेरे लिए और बहुत ही टेस्टी था। तब तक के लिए बाय बाय।